मध्य प्रदेश के बुधनी में आज पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने विशाल जन आक्रोश यात्रा को संबोधित किया। उनके साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी मंच पर मौजूद थे। जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज के गढ़ बुधनी में मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। बोले, हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब है। हर वर्ग, हर समाज के लोग एकता और भाईचारे के साथ रहते हैं। यही तो हमारी एक अच्छी पहचान है। इसी तरह से आगे भी मिलजुल कर रहे। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री पटवारी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव से पहले लाडली बहनों की याद आई है। यह सिर्फ प्रलोभन देने वाली है, इससे कुछ होने वाला नहीं है और जनता सब कुछ जान चुकी है। रणदीप सुरजेवाला बोले, प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर है तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। खाद की कालाबाजारी हो रही है, सोसाइटी में किसानों को खाद बीज नहीं मिल पा रहा है। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जीतू ने कांग्रेस से दावेदारी पेश करने वाले सभी उम्मीदवारों को एक लाइन से खड़ा करवाया, हाथ ऊंचे करवाएं और शपथ दिलाई कि सभी कांग्रेस जिसको भी टिकट दे उसका साथ दे। पूर्व मंत्री पटवारी ने मंच से ही शिवराज सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने कितने घोटाले किए हैं कि मैं बताते बताते थक जाता हूं। लाडली बहना योजना को लेकर पटवारी ने बताया कि 1,000 रुपये लाडली बहन को दिए जा रहे हैं, 1,100 रुपये गैस टंकी के माध्यम से लिए जा रहे हैं।
रक्षाबंधन के लिए जो 250 रुपए डाले थे, इन रुपयों में 1 किलो मिठाई नहीं खरीद सकते। 400 रुपए से कम की 1 किलो मिठाई नहीं आ रही है। यह भी बहनों की अब याद आ रही है। अब शिवराज की सरकार जा रही है और कमलनाथ की सरकार आ रही है। शिवराज सरकार घोटाले की सरकार है। जैसा कि शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला, व्यापम घोटाला। साथ ही पटवारी ने किसानों की दुर्दशा के बारे में मंच से भाषण में कहा कि गेहूं की कीमत MSP 3000 रुपए कर दी जाए, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन जाए। लेकिन भ्रष्टाचारी सरकार ने मेरी एक न सुनी। पटवारी ने कहा कि मोदी सरकार जुमलेबाजी करती है। किसानों की आय को दोगुना का वादा 2022 तक किया था, लेकिन जैसे ही किसानों की फसल के दाम बढ़ते हैं, उन पर निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में टैक्स लगा दिए जाता है।